भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एमवी एम्प्रेस भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है। इसे 5 जून 2023 को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया। जहाज रानी मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाई। तो पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा है केवल दो, तीसरा में दो और तीन और चौथा में 1, 2, 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये तीनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किस संस्था ने हाल ही में फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से एक संक्षिप्त नीति जारी की है? पहला ऑप्शन संयुक्त राष्ट्र, दूसरा यूरोपीय संघ, तीसरा यूनिसेफ, चौथा विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो 2 का सही आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र या तो यूनाइटेड नेशन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई नगर, दूसरा अहिल्या देवी नगर, सावित्री फुलेबाई नगर एंड विजय लक्ष्मी। तो 3 का सही आंसर है ऑप्शन बी, अहिल्या देवी नगर। क्वेश्चन नंबर 4। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो पहला ऑप्शन है रेविका ग्रीनस्पैन, बी सुसान अर्नोल्ड, सी रियाना बरनावी, डी सेलिस्टे सोलो। तो 4 का सही आंसर है ऑप्शन 4, सेलिस्टे सोलो। सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालय समिति IMC का गठन किया गया है? तो पहला ऑप्शन है श्री राजनाथ सिंह, दूसरा स्मृति ईरानी, चौथा नरेंद्र मोदी सॉरी तीसरा और चौथा अमित शाह। तो 5 का सही आंसर है ऑप्शन डी, अमित शाह। ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीत लिया? ऑप्शन ए में जापान, बी में मलेशिया, सी में पाकिस्तान, डी में ईरान। तो 6 का सही आंसर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। इसको पतला कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के थीम क्या है? ऑप्शन है प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करो, बी प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, सी में क्या पर्यावरण की सुरक्षा, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 7 का सही आंसर है ऑप्शन बी, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक प्रॉब्लम। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। जून 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। तो पहला ऑप्शन कौन सा सही है पूछा, कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन ए में केवल 1, ऑप्शन बी में केवल 2 और सी में 1 और दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 8 का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। नेशनल इंस्टीट्यूट
रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के समग्र श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया है। IIC बेंगलोर को शीर्ष 10 विश्वविद्यालय की श्रेणी में प्रथम स्थान पर है। नौवां क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास के समग्र श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया है। IIC बेंगलोर देश के शीर्ष 10 विश्वविद्यालय की श्रेणी में प्रथम स्थान पर है। तो पूछा कौन सा सही है, ऑप्शन ए में केवल 1 है, ऑप्शन बी में 2 है, सी में 1 और 2 और डी में ना 1 और ना ही 2। तो नौवां का सही आंसर है ऑप्शन सी, ये दोनों ही सही हैं। हाल ही में देश ने फतह नामक अपनी पहली सदस्यीय हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है। पाकिस्तान, ईरान, इराक और इजराइल, किसने किया है? चलो तो 10 का सही आंसर है ऑप्शन 2, ईरान ने किया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, DRDO ने उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि वन का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार का मिसाइल है, बताना है कि किस प्रकार का मिसाइल है। सतह से वायु, वायु से सतह, वायु से वायु और सतह से सतह। तो 11 का सही आंसर है ऑप्शन डी, सतह से सतह। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया है? तो ऑप्शन ए में नेपाल, बी में बांग्लादेश, सी में म्यांमार, डी में श्रीलंका। 12 का सही आंसर है ऑप्शन ए, नेपाल के साथ। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? पहला ऑप्शन सांची, दूसरा भोपाल, तीसरा खजुराहो, चौथा इंदौर। तो 13 का सही आंसर है ऑप्शन ए, सांची को। भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है ज्योति देशमुख, बी में जॉर्जिया गुप्ता, सी में सृष्टि राय और डी में स्वाति सिन्हा। तो 14 का सही आंसर है ऑप्शन बी, जॉर्जिया गुप्ता। डी में है एक्सपो सेट यानी एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, भारत का पहला पोलरीमीटर मिशन है। इसे किस संस्थान द्वारा बनाया जा रहा है? पहला ऑप्शन इसरो, दूसरा रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, तीसरा में A और B दोनों, चौथा में इनमें से कोई नहीं है। तो 15 का सही आंसर है ऑप्शन सी, इनमें से A B दोनों, ये दोनों मिलकर बना रही है। किस देश में प्रकृति के संरक्षण के लिए IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? पहला ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, बी में अमेरिका, सी में जापान, डी में भारत। तो 16 का सही आंसर है ऑप्शन ए। किन दो देशों के बीच उद्योग और उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक 8 जून 2023 को नई दिल्ली में हुई है? भारत और न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी भारत और USA, सी में भारत और नेपाल, डी में भारत और फ्रांस। तो 17 का सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत और न्यूजीलैंड। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? पहला ऑप्शन है केरल
रूड, नोवाक जोकोविच, सीमा राफा नडाल टीम में, रोजर फेडरर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच। ये पुरुष एकल था और महिला एकल में कौन जीता है फीमेल कैटेगरी में, जीती है इगा स्वेटक। इसे कोड बना लीजिए, इसको याद करने का एक कोड बनाए तो सबसे अच्छा कोड है फाइंड। फाइंड एक वर्ड है, जब से हो गया फ्रेंच ओपन, आई से इगा स्वेटक फीमेल में, मेल में नोवाक जो एंडी से नोवाक जो को बीच, आई से इगा स्वेटक और एफ से फ्रेंच, तो ये फाइंड वर्ड याद रखिएगा। हाल ही में संपन्न हुए आईपीएल 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो एडजस्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19वां है, हाल ही में संपन्न हुए आईपीएल 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा गलत है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है यह खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर अपने नाम किया, दूसरा है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पांचवीं बार चैंपियन बनी, सी में फाइनल मुकाबला गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, और डी में क्या इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा गलत है ये बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कोई गलत नहीं है, तीनों का तीनों सही है। मिशेल बेटिस पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जगदीश बाकर ने 2023 का मिशेल बेटिस अवार्ड जीता है, यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, यूनेस्को है। अच्छा क्लियर, इसलिए तो पहला ऑप्शन है कि ऊपर दिए कथनों पर कौन सा सही आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना तो एक और ना तो दो, तो बीच का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी कि दोनों ही सही है। अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने बिपरजॉय चक्रवात का नाम रखा है, जो बिपरजॉय चक्रवात का नाम है किसने रखा है। पहला ऑप्शन ओमान, दूसरा इराक, तीसरा ईरान, चौथा बांग्लादेश। तो 21वां का सही ऑप्शन है, इसका नाम रखा है बांग्लादेश ने रखा, ऑप्शन डी। बिल्कुल जो नाम किसने रखा है बांग्लादेश ने रखा है। पांचवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया, यह सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया। दूसरा है बड़े राज्य में केरल को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, छोटे राज्य में गोवा पहले स्थान पर है, तो कौन सा सही है। ऑप्शन है केवल एक और तीन, बी में दो और तीन है, और सी में एक और दो दोनों है, डी में एक दो तीन तीनों है। तो 22 का सही आंसर है ऑप्शन डी, ये तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम KIUG 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा सही है ये बताना आपको। पहला है इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया, इसको मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया। सेकंड में पंजाब यूनिवर्सिटी ने KIUG 2023 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया है, कि पंजाब टॉप पे है पंजाब यूनिवर्सिटी। KIUG 2023 के शुभांकर का नाम जीतू यानी भारत सिंगा रखा गया है। तो पहला ऑप्शन केवल एक, दूसरा दो और तीन, तीसरा एक तीन, और चौथा एक दो तीन। तो 23 का सही आंसर है ऑप्शन बी, दो और तीन सही है, ये सही है और ये सही है।
अगला क्वेश्चन, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न किया? फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और डी बंगाल की खाड़ी। तो 24 का सही आंसर है ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी। यहीं पर विश्व के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात, बी में ईरान, सी में फ्रांस, डी में ब्रिटेन। तो 25वां का सही आंसर है ऑप्शन सी, सॉरी डी, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, 23 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? ए में पेरिस, बी में कैनबरा, सी में लंदन और डी में न्यूयॉर्क। तो 26 का सही आंसर है ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क। आई एस एस एफ जूनियर विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा सत्य आपको बताना है? इसका आयोजन जर्मनी में किया गया। भारत 15 पदक, 6 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। सेम ए भी दोनों, इनमें से डी में इनमें से कोई नहीं। तो 27 का सही आंसर है ऑप्शन सी, ये दोनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरणीय प्रदूषण के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ए में गोवा है, बी में केरल, सी में कर्नाटक और डी में तेलंगाना। तो 28 का सही आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना। जापान में आयोजित महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर किसने खिताब अपने नाम किया? भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन और डी में ऑस्ट्रेलिया है। तो 29 का सही ऑप्शन ए है, भारत ने खिताब अपने नाम किया है। लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर रघुराम राजन, बी में दिनेश कुमार खारा, सी में डॉक्टर उर्जित पटेल और डी में शक्तिकांत दास। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शक्तिकांत दास। जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया? पहला ऑप्शन है मिस्र, दूसरा सऊदी अरब, तीसरा जॉर्डन, चौथा ओमान। तो नाइल से आंसर को गेस कर लीजिए, नाइल नदी कहाँ बहती है? 31 का सही आंसर है ऑप्शन ए, इजिप्ट, यानी मिस्र। डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष पर है? पहला ऑप्शन यूएसए, दूसरा चीन, तीसरा जापान, चौथा भारत। तो 32 का सही आंसर ऑप्शन डी, हम लोग खुद आ गए हैं, ऑप्शन डी, भारत। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए में जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, दूसरा राज्य स्तरीय श्रेणी में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय बिहार को प्राप्त हुआ है, इनमें से सभी डी का। तो 33 का सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सब सही है।
क्वेश्चन नंबर 34, प्रथम जनजाति खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी असम, सी झारखंड और डी छत्तीसगढ़। तो 34 का सही आंसर है ऑप्शन ए कि उड़ीसा में आयोजित किया गया। हाल ही में किसे पूर्वोत्तर सीमा रेलवे या पूर्वोत्तर सीमांत का पहला ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए में नागालैंड रेलवे स्टेशन, बी में गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, सी में इम्फाल रेलवे स्टेशन, डी में मणिपुर रेलवे स्टेशन। तो 35 का सही आंसर है ऑप्शन बी गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। हाल ही में NSC अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव जिसमें भारत पहली बार भाग लिया, इसका आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए जापान, बी इटली, सी ब्रिटेन, डी फ्रांस। तो 36 का सही आंसर है ऑप्शन डी फ्रांस में किया गया। दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया गया है? तो ऑप्शन ए में है मोदी संग्रहालय और सोसाइटी, बी में बापू संग्रहालय और सोसाइटी, सी में इंदिरा गांधी संग्रहालय और सोसाइटी और डी में है कि प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी। तो 37 का सही आंसर है ऑप्शन डी प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी, नाम बदलकर ये रखा जाएगा। विश्व बैंक ने दक्षिण एशियाई की अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी ढाका, सी टोक्यो, डी कोलकाता। तो 38 का सही आंसर है ऑप्शन बी ढाका में शुरू हुआ है। किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी में मध्य प्रदेश, सी में झारखंड और डी में बिहार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी के लिए किस देश को चुना है? ऑप्शन ए में भारत है, बी में जापान है, सी में इजराइल और डी में सऊदी अरब है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत को, इसे भारत चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं के उपलक्ष्य में NCERT नई दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन 18 से 20 जून 2023 तक डैश में किया गया, कहाँ किया गया पूछा? तो पहला ऑप्शन है भोपाल मध्य प्रदेश, दूसरा है लखनऊ उत्तर प्रदेश, तीसरा है हैदराबाद तेलंगाना, चौथा है मुंबई महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये भोपाल मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया। निम्नलिखित में किस प्रेस की वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? पहला ऑप्शन है जय हिंद प्रेस, गीता प्रेस, संस्कृति प्रेस और डी जानकी प्रेस। तो 42 का सही आंसर है ऑप्शन बी गीता प्रेस। विश्व रग्बी चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मिस्र ने मलेशिया को हराकर खिताब अपने नाम किया, बी में इसका आयोजन चेन्नई में किया गया था, सी में ए एवं बी दोनों, आंटी में से कोई नहीं। तो 43 का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों ही सही है। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ हुआ? दुबई, अबू धाबी, सूरत,
ढाका। तो 44 का सही आंसर है ऑप्शन ए, ये दुबई में हुआ। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा सही है ये पूछ रहा। ऑप्शन ए देते हैं, सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्रथम पुरस्कार किसको मिला, मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में इसमें कौन है, इसमें पहला पुरस्कार उड़ीसा के गंजम जिले को मिला है। सी में तेलंगाना के भद्राद्री कोठा गुड़डेम जिले में जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अड्डी में कुछ सभी। तो 45 का सही आंसर है ऑप्शन डी, एस सभी सही है, यानी कि राज्य की श्रेणी में कौन है प्रथम स्थान पे, मध्य प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट श्रेणी जिला की श्रेणी में उड़ीसा के गंजम जिले का गंजम जिले को दिया गया। और आपका इस ये आपका ग्राम पंचायत पुरस्कार इसमें दिया गया है जगन्नाथ ग्राम पंचायत को, ये तेलंगाना के। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सब तीनों ही सही है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 46, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध दूध मिशन योजना शुरू की है, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो 46 का सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में शुरू किया ये योजना। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लर्न एंड अर्न योजना शुरू की गई है, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर 20 विश्व कप खिताब जीता है, पैराग्वे, उरुग्वे, पेरू और अर्जेंटीना। तो 48 का सही आंसर है ऑप्शन बी, उरुग्वे। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा। INSV तारिणी यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के, ये 188 दिनों के बाद 17,000 NM यानी कि समुद्री मील ट्रांस समुद्र अंतर महाद्वीपीय यात्रा सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भारत लौटा, इसमें 2 महिला अधिकारियों सहित 6 सदस्य क्रू दल शामिल थे। इसका 23 मई 2023 को गोवा बंदरगाह पर स्वागत किया गया। बताना कि कौन सही है, ऑप्शन ए में क्या है केवल 1 और 3, बी में केवल 2 और 3, सी में केवल 1 और डी में 1, 2, 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये तीनों ही सही है।